गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यह होगा कि जो कंकरेंट फिलॉसफीज हैं, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी पढ़ना है इसमें हमें। लगभग 10 के करीब दार्शनिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली हमने अर्लियर टाइम में बताया भी होगा और आप रिमेम्बर करेंगे इसे, टोटल वेस्टर्न फिलॉसफी में लगभग 20 फिलॉसफर्स हमें पढ़ने होते हैं। दो कहाँ का? दो अर्लियर ग्रीक पीरियड का। जो 8 के करीब बचते हैं वो किसमें? वो 8 के करीब मॉडर्न में। और जो कंटेम्प्रेरी है उसमें करीब 10 के करीब फिलॉसफर्स हमें पढ़ने होते हैं। हीगल तक के दौर को हमने इससे अर्लियर क्लास में कंप्लीट कर लिया है। मतलब इससे पहले की जितने भी क्लास है हमारी, जिसमें हमने प्लेटो से लेके एरिस्टोटल से लेके उसके बाद डेकार्ट से लेके फाइनली डेकार्ट लाइबनीज एंड डेकार्ट स्पिनोजा लाइबनीज एंड अनुभव बाद में जब हम लाए लॉक बर्कले ह्यूम आफ्टर देन कांट एंड हीगल, इतना हमने कर लिया है। क्वेश्चन आंसर्स शायद आप लोग कर लिए होंगे और करेंगे। आगे जो कुछ भी इश्यूज बनेंगे हम लोग कभी एक्सटर्नल सेशन ले लेंगे, एक अलग सा सेशन जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे और उसमें हम लोग कुछ टॉपिक स्पेसिफाई डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये होगा इन द सेंस कि एक बार अनुभववाद का, एक बार रेशनलिज्म का, एक बार ग्रीक का और एक बार कंबाइन, वो अलग अलग क्वेश्चन क्वेश्चनर मेथड में हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेंगे। आज चलते हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी का सेकेंड पार्ट, जो हमारा कौन सा है? कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी। कितने फिलॉसफर्स इसमें पढ़ने हैं? लगभग 10 के अराउंड फिलॉसफर्स इसमें हमें पढ़ने हैं। मूर से शुरू होगा, आगे क्वाइन तक ये पहुंचेगा। मूर टू क्वाइन। थोड़ी सी विषय वस्तु में जाने से पहले हम चाहेंगे कि इनकी एक पृष्ठभूमि, एक फाउंडेशन बनाए कि आखिर किस आधार पे ये पुराने कॉन्टेम्प्रेरी जो अर्लियर फिलोसफीज थे हमारे, उससे डिफरेंट कैसे हुआ। अर्लियर फिलोसफी जो डेकार्ट से लेके यहां तक था उसको हमने मॉडर्न फिलोसफी कहा था। मॉडर्न के बाद भी ये पोस्ट मॉडर्न में आके कंटेम्प्रेरी बनता है, क्या अंतर होता है, क्यों इस चीज के नाम हुई और क्या इसका इंपैक्ट होता है, थोड़ी इसके बारे में समझते हैं। कहा जाता है कि जो बुद्धिवाद और अनुभववाद की जो धाराएं थी फिलोसफी में, वो धाराएं इतनी एक संश्लिष्ट और क्लिष्ट थी कि आम आदमी के समझ से बाहर की बातें थी। लगता था कि दर्शन बौद्धिक विलास के अलावा कुछ नहीं रह गया। कांट उन दोनों चीजों को सुलझाने के लिए आते हैं, जहां वो अनुभववाद और प्रत्ययवाद का एक साथ समन्वयन करते हैं। कांट इस समन्वयन के कोशिश में कुछ कदम और आगे ही चले जाते हैं और दर्शन की संश्लिष्टता इतनी टफ हो जाती है कि वो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन पीपल हो जाता है ये। अब इस कंडीशंस के बाद हीगल आते हैं। हीगल ने भी दर्शन में कुछ और कदम आगे चलाया। उन्होंने आइडियलिज्म की बात की, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, ऐसा एक आम आदमी के जीवन से उसका कोई सामान्यतः सरोकार नहीं है। एक नॉर्मल जब हम लोग पढ़ाते हैं पढ़ते हैं तब भी आप उलझ जाते होंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या मतलब है इन चीजों को वास्तविक दुनिया में लाने की या इस दुनिया की चीजों में इन चीजों पर दिमाग खर्च करने की आवश्यकताएं क्या है। चूंकि दर्शन में बाद में शुरुआती दौर में होता क्या है कि जो 20वीं सदी का दौर होता है, 20वीं शताब्दी दौर में उथल पुथल की दौर होती है, विश्व युद्ध वगैरह का दौर होता है, पूरी दुनिया परेशान होती, तमाम तरह की समस्याएं के साथ लोगों को फेस करना होता है। अंततः लोगों को लगता है ये जो बौद्धिक विलास की दर्शन है इससे लोग ऊब जाते हैं। लोगों को लगता है कि इसका क्या मतलब है अनावश्यक बातों का, हम दैनंदिन चीजों की बात करें। और बौद्धिक जिज्ञासा है जो दर्शन की ओर जबरदस्ती लोगों को ले जा ही रही होती है। ऐसे स्थिति में कुछ न्यू ग्रुप्स ऑफ जो फिलोसफर्स पे उनका उद्भव होता है, उसे मूर, रसेल, विटगेंस्टाइन, एटसेट्रा एक प्रमुख दार्शनिक आते हैं और इन सब ने दार्शनिक समस्याओं का एक अलग अलग तरीके से मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में आज के तरीके से सामान्य स्तर पर इनको सोच के इन्होंने दर्शन को डेवलप किया, दर्शन को डिराइव किया जिसे आम आदमी तक ये दर्शन समझ में आ जाए। ये अलग बात है कि जिस मूर ने जिस दर्शन को सहज बुद्धि कॉमन सेंस के स्तर पर शुरू किया, खुद मूर के ही दर्शन में वो बहुत ही क्लिष्ट हो गया और उससे भी ज्यादा आगे रसेल और विटगेंस्टाइन से लेकर जब क्वाइन तक पहुंचते हैं तो और ज्यादा टफ हो जाता है, खास करके जो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी है। इसीलिए कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी को पढ़ना और पढ़ाना दोनों अपने आप में बहुत टफ होता है। ये टफ इसलिए नहीं होता कि विषय वस्तु की क्लिष्टता है, विषय वस्तु बहुत बड़ी है। दरअसल कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी इसलिए टफ होता है या टफ माना जाता है कि इसमें जो तर्क है वो तमामतः केवल और केवल लॉजिकल बेस्ड होते हैं। अब चूंकि लॉजिकल बेस्ड होते हैं, जो आम जीवन में चूंकि एक सामान्य विद्यार्थी या सामान्य व्यक्ति इतनी लॉजिकल बातें नहीं करता, इतनी लॉजिक के कोड टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए इन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के लिए
ये जो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी है वो बहुत टफ प्रतीत होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको आसान भाषा में आसान शब्दों के साथ आप समझ लेंगे, और वैसे भी हमें उम्मीद है कि हम कोई सामान्य बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे, चूंकि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो आई होप कि आप अपने सेक्टर के एक्सपर्ट होंगे और इतनी लॉजिकल चीजें होंगी कि आप आसानी से इन चीजों को समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूल की बात करते हैं कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में जो 10 फिलॉसफर्स हैं हमारे, उसमें ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी मूर की बात करते हैं। जी मूर, ये इनका जो दर्शन था मूल रूप से हीगल के जो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म था उनके प्रतिक्रिया स्वरूप था। मूलतः इन्होंने अपनी दर्शन की विचारधारा हीगल की आलोचना में ही रखी, क्योंकि हीगल ने जिस तरह एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात किया, जिस तरह एक निरपेक्ष प्रत्ययवाद की बात की, वो सामान्य जीवन से पूरी तरह अलग था। इस आधार पर जब जी मूर आते हैं तो ये मूलतः ये कहते हैं कि कॉमन सेंस, इनका दो ही दर्शन का मूल उद्देश्य इनका दो था, एक तो ये था कि डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस और दूसरा था रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, प्रत्ययवाद का खंडन। अब हमने डिस्कशन किया ही कि दरअसल मूर का उद्भव कब हो रहा है। मूर का जो उद्भव हो रहा है वो लगभग 1973 to 1958 का इनका दौर रहा है, इस दौर में रहे हैं। अब देखो ये मूर का जो दौर रहा है, इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, दुनिया बहुत उथल पुथल में पची हुई है। इधर जो हीगल वगैरह है उनकी दर्शन एक अजीब सी एक दूसरी भूमि पे जा रही है, एक अजीब सी लेवल को छू रहा है। नतीजा ये होता है कि मूर आते हैं तो मूर ने इन सारी चीजों को रिफ्यूट किया और कहा कि बेसिक सबसे पहले जब हम बात करें तो अपनी बातचीत की लहजा, बातचीत की शैली, हमारी जो दार्शनिक सोच है, चिंतन की प्रक्रिया है, उसमें हम कॉमन सेंस को रखें। कॉमन सेंस का मतलब जो आम आदमी के हित में हो, आम आदमी की समझ में हो, आम आदमी के जीवन से रिलेटेड हो। इस आधार पर जब उन्होंने बात किया तो सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि दार्शनिक क्षेत्र में उन सारी उलझुल बातों को हटा दो जो चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब यह हुआ कि इन्होंने सबसे पहले सहज ज्ञान की बात की। अब प्रश्न उठता है ये पहला काम क्या था इनका, सहज ज्ञान की प्रतिरक्षा, जो कॉमन सेंस है, जिस कॉमन सेंस पे लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं, सारी की सारी चीजें उन चीजों पे बातें हो रही हैं जो कॉमन सेंस से अलग है, जो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता, समझने के लिए एक दुरूह काम है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजरना होगा। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि कॉमन सेंस के आधार पर इन्होंने जो प्रत्ययवाद था उस प्रत्ययवाद का खंडन किया। इन्होंने प्रत्ययवाद का खंडन, मतलब जो मूर थे, मूर ने अपने दर्शन की शुरुआत किससे की, एक तो कॉमन सेंस का प्रिजर्वेशन और दूसरा इन्होंने क्या किया कि प्रत्ययवाद का खंडन किया। अब यहां प्रश्न उठता है कि आखिर ये कॉमन सेंस होता क्या है। सामान्यतः आप समझते हैं कि कॉमन सेंस का मतलब जो हर आदमी को अवेलेबल हो, हर आदमी जिस बात को समझता हो, लेकिन जब मूर अपने कॉमन सेंस की बात करते हैं तो मूर ने इन कॉमन सेंस को कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बात किया, ना कि एक डिक्शनरी वाले जो वर्ड्स हैं उनके बारे में। मूर ने कॉमन सेंस के बारे में ऐसी बातें कही कि ऐसी यूनिवर्सलिटीज का मतलब है जिस पर किसी को भी संदेह नहीं हो, ऐसी बातें जो हर व्यक्ति मानता हो, ऐसी बातें जो सबको यूं ही प्राप्त हो जाता है, किसी को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बताता नहीं है, स्वतः जान जाता है, ऐसी जो चीजें होंगी वो सहज ज्ञान होंगी या कॉमन सेंस होंगे। कैसे, इसके लिए मूर ने दो तीन एग्जाम्पल्स दिए। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे छोटी बात, जैसे हम मानते हैं कि हम हैं, डेकार्ट की भाषा में मैं सोचता हूं मैं हूं, मतलब आपके अपनी जो अस्तित्व है, अस्तित्व का जो रूपन होंगे, रूपायन होंगे, किस तरह के फॉर्मेशंस कैसे होंगे, आप कैसे बने नहीं बने, इसकी बात नहीं करता है मूर। मूर ये कहता है कि आप हो, कम से कम इस बात को मानते हो तो दैट इज इनफ, इतनी ही सामान्य बातें हैं। आपके एक हाथ हैं, आपके दो हाथ हैं, दूसरे व्यक्ति को भी दो हाथ हैं, आप इस हाथ को दायां हाथ कहते हो, इस हाथ को बायां हाथ कहते हो, आपको ये पता है कि यू आर लाइव, एक दूसरा पीपल भी है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, दुनिया में इन सारी चीजों का भी एग्जिस्टेंस है। तो इतनी सी जो बातें हैं, सामान्य बातें, छोटी सी बातें, जिसको कोई आदमी रेफ्यूट नहीं कर सकता, जो तमाम चीजें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा ये हर व्यक्ति को अनुभव हो जाता बिना सिखाए, बिना सीखे, यूं ही, इस बात को मूर ने कहा कॉमन सेंस। अब क्वेश्चन उठेगा कि कॉमन सेंस के लिए इन्होंने कुछ, अब चूंकि दर्शन की बात है तो दर्शन में भी इन्होंने कुछ रूपरेखा तैयार की, कुछ फाउंडेशंस तैयार किए, कुछ फॉर्मेशंस किए कि इन इन क्राइटेरिया के आधार पर ही दर्शन ज्ञान को सहज ज्ञान माना जाएगा। दरअसल जो ओरिजिनल डिक्शनरी वाले ज्ञान थे वो समथिंग डिफरेंट था, इसने कुछ अलग अलग किया।
तो इसने क्या माना? दरअसल इन्होंने सबसे पहले जो टर्म्स कहा, दो सूची बनाई, दो ग्रुप्स बनाए इन्होंने। कहा जाता है दो चीजें हैं जो कॉमन सेंस में होगा, एक होगा जिसे मैं जानता हूं, दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरा कॉमन सेंस वो जिसे दूसरा व्यक्ति भी जानता है। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखिए। कहा जाता है सहज ज्ञान। सहज ज्ञान को इन्होंने कैसे डिफाइन किया? तो सहज ज्ञान के लिए इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई। दो कैटेगरीज बनाई, कौन सा? पहला इसे जिसे मैं जानता हूं, आई नो की बात करते हैं, जिसे मैं जानता हूं, इसके लिए हमें किसी की बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की आवश्यकताएं नहीं हुई, बाहरी चीजों की जरूरत नहीं हुई इसे समझने के लिए, हम खुद ब खुद इसे जान रहे हैं, इसमें किसी लॉजिकल या किसी वाद विवाद या प्रश्न नहीं उठता। और दूसरा यह है कि जो दूसरा जानता है, जो अदर पीपल जानता है, जो दूसरा जानता है, जो दूसरा व्यक्ति जानता है, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या जानता है, कैसे? तो इस ग्रुप में उन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पलीफाई किया, जैसे आप ऐसे समझिए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, मैं स्वयं का अनुभव, जैसे मैं जानता हूं, ये पहला ग्रुप है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा, ये पूरा कॉमन सेंस है। आप ये मानते हो कि मैं एक जीवित शरीर हूं, ये कॉमन सेंस है। तीसरा, यह मानते हो कि आप ये मानते हो कि हम जीवन में आए हैं, हमारा जन्म कुछ वर्ष पहले हुआ है, कुछ वर्ष के बाद हम जाएंगे, मरेंगे, इस तरह की जो सामान्य बातें होंगी। पहला इन्होंने ये ग्रुप बनाया। दूसरी बात इन्होंने ये रखा कि मेरा जो अनुभव है वैसा ही दूसरे का भी अनुभव होगा, उससे कुछ अलग, दूसरा व्यक्ति भी इस दुनिया में है, उसकी भी एग्जिस्टेंस है, हमसे पहले भी कोई था, हमारे बाद भी क्यों होगा, इस तरह की जो चीजें होंगी वो। तो पहला क्या हो गया, मैं मतलब स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के बारे में, और दूसरा व्यक्ति भी है, दूसरा व्यक्ति भी है, उसके भी कुछ अनुभव हैं, उसके भी कुछ अनुभव हैं, इस तरह की जो चीज थी वो सेकेंड ग्रुप में था। और फर्स्ट ग्रुप में क्या था कि मैं स्वयं के बारे में, मतलब मैं हूं, मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, हमारे दो हाथ हैं, इतनी जो बेसिक सी चीजें हैं। मूर केवल कहता है कि इसी बातों को ध्यान रखिए और इन्हीं बातों पे आगे दर्शन को ले जाइए, इससे आगे की हवा हवाई की बात है, जिसे आपका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर दर्शन का फाउंडेशन बनाया। हमने क्या किया था, मूल उद्देश्य क्या है उसका, एक तो कॉमन सेंस को रक्षा करना, अभी तक जो दर्शन हमने पढ़ा उसमें कॉमन सेंस है ही नहीं कहीं, एक तीसरी दुनिया की सारी सोच आ गई है। और दूसरा काम क्या है कि इसी शर्त पे या इसी तत्वों के निर्धारण के आधार पे जो चीजें वो सहज ज्ञान की बात करता है या कॉमन सेंस की बात करता है, आइडियलिज्म का रेफ्यूटेशन करना। अब जब आइडियलिज्म के रेफ्यूटेशन करेगा तो कैसे करेगा, कुछ ये तो बेसिक सा टर्म्स था। अकॉर्डिंग टू मूर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं कि मूर ने कुछ सामान्य ज्ञान की विशेषताएं भी वैसे तो किसी किताबों में नहीं बताई, लेकिन तमाम जगह उनके जो तमाम लेख हैं, तमाम मैसेज हैं, उनके आधार पर 4-5-6 तर्क हम लगाते हैं कि मूर ने विशेष ज्ञान की विशेषता क्या क्या बताई है। तो ये थोड़ा आप स्पेशली नोट कर लीजिए, ये तो मूल था, क्या क्या कॉमन सेंस की विशेषताएं मूर ने बताया है इसके लिए, तो नोट कर लीजिए कॉमन सेंस की सम स्पेशलाइजेशंस या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन सेंस। क्या क्या होंगे कॉमन सेंस की कुछ विशेषताएं, सहज ज्ञान की विशेषताएं क्या क्या होंगे? तो कहा जाता है कि जो सबसे पहला है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब ये होगा कि सार्वभौमिक स्वीकृति। कुछ ऐसे टर्म्स जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, ये पहला होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या होगा कि एक सब लोग इसे माने, इसमें किसी की कोई स्टिमुलेशंस की आवश्यकता नहीं, कोई समझाया या कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, तो ये क्या होगा, कहा जाता है कि इसके आधार पर कहा गया, जैसे भी हमने चर्चा की कि हम जिंदा हैं, हमारा जन्म हुआ है, दूसरा व्यक्ति भी है, दूसरे व्यक्ति का भी जन्म होगा, इस तरह के जो तर्क हैं वो आ जाएंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने तर्क दिया उसको कहा जाता है कि बाध्यकारी स्वीकृति। बाध्यकारी का मतलब आपको मानना ही होगा, मानना ही होगा का मतलब यह होगा कि कंपल्सिव एक्सेप्टेंस, बाध्यकारी स्वीकृति, बाध्यकारी स्वीकृति।
मतलब ये होगा कंपल्सिव एक्सेप्टेंस। मतलब जिसको स्वीकार नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, इसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो कैसे, जैसे उन्होंने ये कहा कि मतलब फायर है, आग में आप हाथ डालोगे तो जलेंगे ही, पानी पीने से प्यास बुझेगी ही, ये सब ऐसे तर्क हैं जिसको आप नहीं मानोगे तो एक्सेप्टेंस दुनिया नहीं चलेगी, आपको मानना होगा ही, आप मानो या ना मानो आपको मानना पड़ेगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि आग में हाथ डालेंगे तो आप मानो या ना मानो हाथ को जलना फिक्स ही है। तो ये बाध्यकारी स्वीकृति है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा, पानी से प्यास बुझती है, आग में हाथ डालने से जलता है। ठीक है, ये जो तमाम तर्क हैं, ये हुआ बाध्यकारी स्वीकृति का। तीसरा जो पार्ट्स है, जो तीसरे तर्क इन्होंने बताया, पहला क्या हमने कहा, पहला का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, दूसरा हमने क्या कहा, कंपल्सिव एक्सेप्टेंस जब आपको मानना ही होगा, और तीसरा होता है सेंस एक्सपीरियंस, इंद्रियानुभव पर आधारित। तीसरे तर्क क्या होंगे इसमें, इंद्रियानुभव पर आधारित, सेंस एक्सपीरियंस। इंद्रियानुभव पर आधारित, इंद्रियानुभव का मतलब यह होगा कुछ चीजें जो आपको अपनी सेंस ऑर्गन से आप ऑगमेंटेट करते हो। ठीक है, चौथा होगा स्वप्न से संबंधित तर्क। स्वप्न से संबंधित तर्क का मतलब जो ड्रीम में आप समझते हो, जो चीजें आप देखते हो। तो चौथा तर्क कौन सा हो जाएगा, स्वप्न से संबंधित। ठीक है, इस आधार पर मूर ने चार तर्क दिए हैं, आर्ग्यूमेंटेज किया है, कौन सा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, कंपल्सिव एक्सेप्टेंस, सेंस ऑर्गन्स का एक्सेप्टेंस, और एक हुआ ऑगमेंटेशन फ्रॉम ड्रीम, स्वप्नवादी सिद्धांत के आधार पर। यहां आप इस बात को समझिए कि स्वप्न से संबंधित जो चीजें होंगी उसमें डेकार्त ने कुछ प्रश्न उठाए थे। जैसे आपको याद होगा, हमने जब बौद्धवाद की चर्चा की थी तो आपको याद होगा कि डेकार्त ने क्या कहा था, डेकार्त ने कहा था कि हो सकता है कि गणितीय ज्ञान को भी हम सच ना माने, क्यों ना माने, ये हो सकता है कोई शैतान हो जिसके इन्फ्लुएंस में आके हम 2+2=4 मान रहे हो, तो हो सकता है ये स्वप्न हो, इसीलिए उसने डेकार्त ने उस पर भी पहले स्वप्न संदेह किया था। जब मूर के केस में आता है तो मूर कहता है इस बात को हम इसलिए नहीं मान सकते कि यदि स्वप्न से संबंधित ही बातें होंगी ही तो स्वप्न का भान तो आपको हो जाता है जब आप जागृत होते हैं, यदि ये दुनिया सच स्वप्न है भी तो इस स्वप्न की भान कब होगी, इस स्वप्न की एहसास तो हमें होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारे लिए तो एटलीस्ट यदि मान लो ऐसा भी है, शैतान का इन्फ्लुएंस है भी, तब भी ये दुनिया ही सत्य होंगी। गेटिंग माय पॉइंट ना, जैसे आप रात में स्वप्न देख रहे थे तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान जब आप सपना देख रहे थे तब तो कम से कम वो सच था, अब जब उस सपना से बाहर आए, एक नई जिंदगी में आए, नई तरीके से आपने देखा, तब जाके आपको पता चला कि वो स्वप्न स्वप्न था, अदरवाइज आपकी सारी एक्टिविटीज, थॉट प्रोसेस, व्हाटएवर बी गोइंग ऑन, वो क्या था, ओरिजिनल की तरह ही बिहेवियर हो रहा था। गेटिंग ना, अब सिमिलरली यदि डेकार्त कहता है कि हमारी पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स भी शैतान के इन्फ्लुएंस में होगा या कुछ इस तरह के ही होंगे, तो मूर कहता है वो स्वप्न भी रियलिटी ही होगा, ऐसा इसलिए होगा कि कम से कम उस स्वप्न का भान तो अभी नहीं है हमें, जब होगा तो दैट इज डिफरेंट पार्ट, और आज सदा से ऐसी बातें चली आ रही हैं, सदियों से चली आ रही हैं, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ये चार तर्क इसने दिए कि सहज ज्ञान की प्रतिरक्षा कैसे की जाए। अब उन्होंने इसके आधार पर एक कुछ और भी महत्वपूर्ण तर्क दी, जो सबऑर्डिनेट तर्क हैं। जैसे एक कहा जाता है कि असंगति या पारस्परिक विरोध आधारित तर्क, असंगति या पारस्परिक विरोध आधारित तर्क, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये क्या है, फिर आगे आएंगे। नेक्स्ट तर्क इन्होंने दिया क्या, असंगति, आधार पर असंगति का मतलब यह होगा, असंगति भी कितनी होंगी, दो तरीके की असंगति होंगी, एक तो व्यावहारिक और दूसरा वैचारिक।
असंगति का मतलब हुआ कुछ सहज ज्ञान है जिसको माना नहीं जा सकता, मतलब कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिसके बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्टेंस भी यूनिवर्सल है, कुछ ऐसे होंगे जिसको किसी कीमत पे मान नहीं सकते, ये भी सहज ज्ञान ही है, कैसा हो ही नहीं सकता और ऐसा हो सकता, दोनों ग्रुप है। एक है कुछ ऐसे तर्क है जिसको आपने मान लिया कैसा हो ही नहीं सकता, उसमें भी कोई संदेह नहीं। एक हमने क्या कहा, कैसा पॉसिबिलिटीज है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, ये होगा ही। तो जो असहमति या असंगति है वो दो टाइप से होंगे, एक तो ये होगा वैचारिक असंगति और दूसरा क्या होगा तार्किक। वैचारिक असंगति का मतलब ये होगा या दार्शनिक असंगति कि विचार के स्तर पर ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, और जो दूसरा हमने क्या क्या व्यावहारिक या सॉरी वैचारिक या तार्किक तो एक हो जाएंगे, वैचारिक या तार्किक, दूसरा क्या होगा व्यवहारिक। व्यवहार में हम ऐसा नहीं मान सकते, एक तो वैचारिक या तार्किक हो गया, वैचारिक स्तर पे या लॉजिकल स्तर पे हम इस बात को नहीं मान सकते, या मान सकते कंफर्म होगा दो टर्म, या समझिए वैचारिक असंगति का क्या मतलब होगा, लॉजिकल स्तर पे ये पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, जो हो रहा है उसका अगेंस्ट और जो नहीं हो रहा उसके सपोर्ट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कहा जाता है कि ज्ञान खंडन की प्रक्रिया में, जैसे ह्यूम की बात कर लो, ह्यूम ने क्या कहा था, ह्यूम ने कहा था कि हमें आत्मा का प्रत्यय का प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, जब भी हम ढूंढने जाते हैं तब भी कुछ न कुछ हमें प्रत्यय के रूप में ही मिलता है, आत्मा हमें नहीं मिलता। तो मूर कहता है कि वैचारिक स्तर पे इस असंगति को नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, कि जब आप ये कहते हो कि जब आप ये कह रहे हैं कि हम जब ढूंढने जाते हैं तो कौन, जो आप ढूंढने जा रहे हो वो आप ही तो ढूंढने जा रहे हो और वही आत्मा है, तो वैचारिक स्तर पर जिस चीज का विरोध कर रहे हो, जिस चीज का आप निषेध कर रहे हो वही तो आप हैं। मुद्दा यह हुआ कि तार्किक स्तर पर इस बात का विरोध नहीं किया जा सकता, गेटिंग ना, याद करिए ह्यूम, ह्यूम ने क्या कहा था कि जब भी हम अपनी आत्मा को ढूंढने जाते हैं तो आत्मा के रूप में हमें तमाम सेंसेशंस ही मिलते हैं, तमाम प्रत्यय आइडियाज ही मिलते हैं, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं मिलती। तो ह्यूम के जो आलोचना हुआ था वहां भी हमने करवाया होगा, और अभी इसकी भाषा में ही बात कर ले मूर की भाषा में, तो मूर ने कहा, या डेकार्त की आलोचना में भी हमने यही पढ़ा, डेकार्त ने भी यही तर्क दिया कि जिसका रेफ्यूट करने जा रहे हो, जो विरोध करने जा रहे हो, तो विरोध करने वाला के रूप में ही आपकी आत्मा की सिद्धि होती है। गेटिंग पॉइंट ना, मतलब ये हुआ कि जो कहते हैं कि आत्मा हम नहीं देख रहे हैं, तो नहीं जो देख रहे हैं कह रहे हो, जो नहीं देख रहा है वही तो आत्मा है, तो वैचारिक आत्मा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा जैसे या ह्यूम की आत्मा का मतलब यह हुआ, ह्यूम ने क्या कहा कि ह्यूम आत्मा के क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस मार्क उठाता है कि आत्मा है ही नहीं, हमें मिलता ही नहीं, हम किसको माने। तो मूर के टर्म में कहा जाएगा कि आत्मा के स्तर पे आप इसलिए प्रश्न नहीं उठा सकते कि जिसे आप ढूंढने जा रहे हो वो खुद ही आप स्वयं हैं, क्लियर। दूसरा मुद्दा यह है कि व्यवहारिक स्तर पर कहा जाता है, कुछ लोग टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं, देश और काल की बात करते हैं, किसका भी प्रत्यक्ष में नहीं होता। तो यदि हम टाइम एंड स्पेस को नहीं मानेंगे तो व्यावहारिक स्तर पे हमारी बातचीत, रहन सहन, जीवन यापन ही दुभर हो जाएंगे। कैसे, हम कैसे आपसे बात कर सकते हैं, हम कैसे किस चीज का रेफरेंस दे सकते हैं, यहां वहां अब तब कहां जैसे तैसे, ये हम किस आधार पर बात कर लेंगे। तो यदि टाइम एंड स्पेस को आप उसके यूनिवर्सल अर्थ में या उसके जो प्री डिसाइडेड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप नहीं समझेंगे तो व्यवहारिक स्तर पे आप चीजों को नहीं कर पाएंगे, ना आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होगा बात करने के लिए, ना कोई चीजें समझ सकते हो या नहीं किसी को समझा सकते हो, क्योंकि हमारी जो दैनंदिन कार्यकलाप है, जो भी चीजें चल रही है, पढ़ना लिखना से लेके जो दैनंदिन अन्य कार्यकलाप है, सारे के सारे वर्क किससे बेस्ड है, टाइम एंड स्पेस के फ्रेम में ही तो हम बात करते हैं आजकल, यहां वहां एटसेट्रा। तो व्यवहारिक के मतलब यह हुआ देश और काल संबंधित असंगति, देश काल संबंधित असंगति, मतलब यह हुआ कि देश और काल संबंधित चीजों को हम रिफ्यूट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग, तमाम लोगों ने कहा, जैसे हमने कई बार क्वेश्चंस किए, कांट्स में हमने बताया, हेगल में भी बताया, और आगे भी हम लोग चर्चा करवा लेंगे कि टाइम एंड स्पेस को लेकर बहुत लोगों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। तो जो भिन्नताएं हैं हम उस स्तर पर नहीं जाए। मूर का कहना है कि आप एटलीस्ट एक्सेप्ट करो, व्यवहारिक एक्सेप्टेंस नहीं चलेंगे आपको, टाइम एंड स्पेस यूनिवर्सल है मानना होगा आपको, ठीक है। एक उन्होंने अगला तर्क दिया, यह हो गया असंगति आधारित तर्क, कौन सा, फिफ्थ नंबर का हो जाएगा। छठा तर्क उन्होंने यह दिया कि छठा तर्क में उन्होंने कहा कि दृढ़ विश्वास, वो चीजें होती हैं जो यूनिवर्सल हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। दृढ़ विश्वास का मतलब समझते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कोई प्रामाणिकता नहीं होती और प्रामाणिकता की आवश्यकताएं भी नहीं होती। जैसे मान लो ईश्वर हैं, तो इस बात की प्रामाणिकता या ना प्रामाणिकता की कोई चर्चा नहीं होगी।
हमें लगता है और यही इनफ है, हमें लगता है दैट इज द इनफ। बहुत सारी बातें होंगी कि आपको लगता है और दैट लगना ही इनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। तो ये था दृढ़ विश्वास, बिलीफ सिस्टम। यहां ध्यान रखिए, इसको कहते हैं कॉन्विक्शन। जैसे बहुत सारे, मेरा दायां हाथ, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात कर लें, कहता है जो मेरा दायां हाथ है, अब मेरा दायां हाथ है इसके लॉजिकल या एक तात्विक निर्वचन हम कैसे कर सकते हैं? दायां हाथ पर कोई मुहर तो लगा नहीं है कि ये दायां है या बायां है, लेकिन हम मानते हैं और इसी के साथ हम चल रहे हैं, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। तो ये सहज विश्वास है, इसके लिए कोई प्रामाणिकता नहीं है। मान लो आपको कहेगा कि आपका दायां हाथ ही दायां है, ये कैसे मानोगे? ये तो अवश्य बात है कि हम उसी फ्रेम में बात करें कि दायां हाथ हमने ही नाम दिया है। अब इस बात को कोई प्रामाणिकता के द्वार पे पूछे कि दायां हाथ आपका दायां हाथ कैसे है, ये दायां हाथ ही क्यों है, तो इसका कोई उत्तर नहीं होगा। ये केवल और केवल बिलीफ सिस्टम है। तो कहा गया कि दृढ़ विश्वास के आधार पर जो तर्क होंगे उनकी भी बात करते हैं, दृढ़ विश्वास आधारित तर्क। दृढ़ विश्वास आधारित कैसे? कि मेरा दायां हाथ बायां हाथ ठीक है। तो मतलब ये कहा मूर ने, इस पे ये कहा कि जो सामान्य अध्ययन की ये सब जो बेसिक चीजें हैं इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकता। आपका दायां हाथ क्या है या नहीं, बायां हाथ क्या है नहीं, इन चीजों पे डिबेट नहीं हो सकता। कंप्लीट हुआ? तो पहले हमने क्या कहा, मूर ने, मूर का सबसे पहला काम क्या हुआ, दो काम हमने मूलतः बताया। एक कौन सा था कि सहज ज्ञान की प्रतिरक्षा करेगा। दूसरा काम था, क्यों करेगा सहज ज्ञान की प्रतिरक्षा? वो इसलिए करेगा कि उसको दूसरा काम करना है। कौन सा काम है? वो जो आइडियलिज्म है उसको रेफ्यूट करेगा, उसे खत्म करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि दर्शन को सामान्य जन के स्तर तक, सामान्य नॉर्मल जीवन यापन के स्तर तक वो ले आए। एक आम आदमी की बौद्धिकता के स्तर पर दर्शन को लाना चाहता है, अनावश्यक सी बातों से बचना चाहता है वो, ठीक है। तो मूर ने सहज ज्ञान दर्शन की अपनी कुछ इस तरह की बातें की। अब जब सहज ज्ञान की चर्चा कर ही लिए तो थोड़ा मूर की आलोचना भी कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा समझिए। सबसे पहला तो प्रश्न ये आता है कि मूर जिस सहज ज्ञान की बात करता है उस सहज ज्ञान को समझाने के लिए उसे इतने तर्क लगाने पड़े। यदि वो सहज ज्ञान उतना ही सहज होता तो फिर मूर को इतने तर्क लगाने की जरूरत नहीं होती, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। बाद में मूर खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हमारी जो दर्शन है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, हम खुद भी इससे संतुष्ट नहीं है। खैर वो एक बात का मुद्दा होगा, अभी हम चर्चा करें। मूर जिस सहज ज्ञान को सहज ज्ञान कहता है वो इतना भी सहज नहीं है। यदि वो इतना ही सहज होता तो इतनी बड़ी लेक्चर देने की कोई आवश्यकताएं नहीं होती। मूर ने जिस तरह सहज ज्ञान को सहज ज्ञान कहा है वो सहज ज्ञान अपने अर्थों में ही कुछ डिफरेंट हो जाता है, कुछ अति विशिष्ट हो जाता है। तो कुछ इसके हमने कुछ आलोचना करते हैं, कुछ कि मूर ने जो सहज ज्ञान की बात की है उसकी कुछ आलोचनाएं, कुछ उसमें कंट्रडिक्शंस क्या हैं, कुछ उसके क्रिटिसिज्म क्या क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि मूर जिस आलोचना की बात कर लो, क्या आलोचना होंगे कि सहज ज्ञान इतना सहज नहीं है। मूर का सहज ज्ञान इतना सहज नहीं है जितना वो कह रहा है। जितना वह कह रहा है क्यों? यदि वो इतना सहज होता तो फिर उसको इतनी थ्योरीज डेवलप करने की, इतनी डिबेट करने की आवश्यकता नहीं होती। बेसिक सा एक शब्द में कवर हो जाता। दूसरा कहा जाता है कि मूर ने कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं दिया सहज ज्ञान का, केवल उन्होंने लॉजिकल बातों को घुमा फिरा के एक ही बातों को बार बार उन्होंने अलग अलग अर्थों में कहा है, कोई क्लियर कट डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया है। तीसरा, रेफ्यूटेशन की बात जब हम करते हैं तो कहा जाता है कि मूर ने कहा कि सभी लोग मानते हैं, तो दृढ़ विश्वास के आधारित बात की बात की। तो कई बार ऐसा होता है, भविष्य में भी ऐसा हुआ है, भूत में भी ऐसा हुआ है और भविष्य में भी ऐसे होंगे कि कई बार जो तमाम दृढ़ विश्वास वाले बातें थे वो फेल कर गया। बहुत हाल तक ये माना जा रहा था कि दुनिया क्या है, चपटी है। ये एक मजबूत विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। बाद में क्या हुआ, रिफ्यूट हो गया कि नहीं, दुनिया गोल है। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पौधे, पेड़ पौधे के बारे में बात कर लो। पेड़ पौधा के बारे में बहुत हाल तक माना जाता था कि पौधे मरे हुए हैं, उसमें जान नहीं होता। वो तो जगदीश चंद्र बसु आए जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ बनाई और प्रमाणित किया कि पौधे में भी लाइव होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आप जिन चीजों को सहज ज्ञान के स्तर पर भी ले रहे हो वो भी तो बहुत मुश्किल है। कई बार दृढ़ विश्वास की जो बात आप कर रहे हो, विश्वास भी कई बार बदलता है। तो दृढ़ विश्वास आधारित तर्क भी भूत में भी बदले हैं, भविष्य में भी बदलेंगे, इस बात की तमाम संभावनाएं ऐसी हैं। फिर उन्होंने कहा कि तार्किक दृष्टिकोण से हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते।
चौथा रसेल की बात करते हैं। आगे हमारा रसेल भी एक वैज्ञानिक होगा, फिलोसोफर्स होंगे, रसेल की भी बात करेंगे। तो रसेल ने कहा है कि जो सहज ज्ञान है वो प्रामाणिक नहीं है। क्यों प्रामाणिक नहीं है? क्योंकि जो सहज ज्ञान है वो हमें विज्ञान की ओर ले जाता है। हम कुछ लॉजिकल बात करते हैं और जब विज्ञान की हम बात कर लेंगे तो अपने आप में संश्लिष्ट हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा। मतलब रसेल ने कहा कि जिस सामान्य ज्ञान की बात आप करते हो वो सहज ज्ञान वहां तक ही सीमित नहीं रहता। सहज ज्ञान के आधारित पर ही तो सारा साइंस विकास हुआ, सहज ज्ञान के आधारित पर ही सारी चीजों का हमने डेवलप किया, जैसे टाइम एंड स्पेस है, हाथ है, पैर है, बॉडी है, हम है। यही सहज ज्ञान के आधार पर ही तो हम सोचते हैं। सहज ज्ञान इतनी ही होके खत्म नहीं हो जाता, बौद्धिक लालसा हमारी बची होती है, बौद्धिक एक जो उत्कट आकांक्षाएं हैं बौद्धिकता की कि आगे जाए, कुछ जाने। तो ये सहज बुद्धि तक ही सीमित नहीं, सहज बुद्धि ही हमें फोर्स करते हैं कि डू समथिंग मोर। तो ये जो डू समथिंग मोर, ये सहज बुद्धि का एक लक्षण ये भी है। हम सहज बुद्धि को सहजता के स्तर पे ही नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आते हैं, कहा जाता है कि जो विटगेंस्टीन वगैरह आता है बाद में, विटगेंस्टीन वगैरह भी बहुत विरोध करते हैं। हमें लगता है कि मूर और रसेल विटगेंस्टीन वगैरह को जब हम आगे पढ़ेंगे तो और भी इनके तर्क को रेफ्यूट करना सीख लेंगे। पहले हम लोग आते हैं इनके दूसरी आइडिया की बात करते हैं। हाँ, ये बात समझ लो कि मूर का वैल्यू भी बहुत है, महत्व तो बहुत है। मूर के दर्शन ने यह बात सिखाया कि हम तीसरी दुनिया में जो उल जुलूल की बातें करते हैं, जो आम जीवन से बाहरी की बातें करते हैं, उससे हटके हम सहज बुद्धि के ध्यान में आए। अब हम लोग आते हैं मूर का जो दूसरा काम था उसने कैसे किया। पहले तो उसने सहज बुद्धि का रेफ्यूट, मतलब सहज बुद्धि की प्रतिरक्षा कर लिया, अब वो आइडियलिज्म को रेफ्यूट करेगा। यहां भी कुछ कंट्राडिक्टरी पॉइंट्स आएंगे, पहले इस बात को समझ लो। हमने कहा सबसे पहली जो बातें हैं कि जो प्रत्यवाद है आइडियलिज्म, आइडियलिज्म का सबसे जो पुरजोर पुरोधा आता है अर्लियर टाइम में, जब हम आते हैं तो बर्कले के टाइम में आता है। बर्कले को आइडियलिज्म के रूप में एक बड़ी मान्यता मिली कि आइडियलिज्म के प्रतिपादक रहे। बाद में तो कांट एंड हीगल ने भी कहा, उससे पहले प्लेटो ने भी कहा, उससे पहले अरस्तु की भी बात होती, वहां भी प्रत्यय की कुछ कुछ संकल्पनाएं हैं। लेकिन प्रत्यय का जो या आइडिया का जो कॉन्सेप्शन है, आइडिया का जो फैसिलेशन है, जिस अर्थ में बर्कले ने किया है, उस अर्थ में सामान्यतया आम अन्य जो फिलोसफर्स है उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। नतीजा यह हुआ कि सामान्यतया आम जीवन में, यहां तक कि मूर ने भी आइडियलिज्म का मतलब, आइडिया का मतलब ही बर्कले को मान लिया। नतीजा यह हुआ कि प्रत्ययवाद के जो अन्य आनुषांगिक पक्ष थे उनको इग्नोर कर दिया और मूर ने अपनी सारी की सारी शक्ति, जितने भी इंटेलेक्चुअल लाइफ इंटेलेक्चुअलिटीज थी उनकी, बौद्धिक शक्ति थी, बौद्धिक क्षमता थी, उन सारे को केवल और केवल बर्कले के उस तार्किकता को ही खंडन करने में लगा दिया। अब याद करिए थोड़ा सा बर्कले, बर्कले की तार्किकता क्या था आइडियलिज्म के बारे में, एसेस्ट पेसिफी। याद होगा बर्कले वाले लेक्चर में आप देख लेंगे। एसेस्ट पेसिफी का मतलब ये होगा कि लॉक के बाद आया है बर्कले। याद करिए थोड़ा सा, लॉक ने क्या कहा था कि सेंसेशन हमें मिलता है लेकिन वो क्या है उस चीज के बारे में हमें नहीं पता। कांट के केस में उसी को हमने न्यूमेना कह दिया था। जब बर्कले आया था तो बर्कले ने कहा कि कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये केवल और केवल हमारे दिमाग का आइडिया है। हम जिन चीजों को देखते हैं, हमारा जो परसेप्शंस है, उसी से वस्तु का फॉर्मेशन होता है। तो बाद में बर्कले का क्वेश्चन उठा था बर्कले पर कि जिन चीजों को मान लो हम नहीं देखते हैं, इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस तो नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर बर्कले ने किसकी असीम आत्मा की कल्पना की थी कि ईश्वर जिसको देखता है, इसी को दूसरे फॉर्मेट में कहते हैं ईश्वर ने जिसे बनाया है। तो बनाने से ज्यादा बेहतर होगा कि उसने क्या कहा, जिसे हम या तो अनुभव करते हैं या तो हम देखते हैं उसकी एग्जिस्टेंस है, हम नहीं देखेंगे तो एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। तो प्रश्न उठा, आप इस कमरे से बाहर चले जाओगे, जिन चीजों को आप नहीं देखोगे, इसका मतलब उसका अस्तित्व तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो बर्कले को यह बात मान लेनी पड़ी कि हम भले ही नहीं देख रहे हैं लेकिन हम ससीम आत्मा है, ससीम का मतलब लिमिटेड सोल है, एक है असीम आत्मा जो ईश्वर है वो उसको लगातार देख रहा होता है, और ईश्वर चूंकि उसे देख रहा होता है, नतीजा यह है कि उसकी एग्जिस्टेंस है। हाँ, यदि ना हम देखें ना वो देखे, मतलब ना हम देखें ना ईश्वर देखें, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं है। एसेस्ट प्रिंसिपी मतलब सत्ता दृश्यता है, जो चीजें दिखता है वही है, जिसकी सत्ता जो दिखता है वही सत्ता है। यदि सत्ता है तो दिखेगा, जो चीज नहीं दिखेगा उसकी कोई सत्ता नहीं होंगे। यही मूल था। अब इसी बात को मूर ने अपनी दर्शन की पृष्ठभूमि बना के इसी बात को खंडित कर दिया, क्योंकि इसको जैसे ही वो खंडित करेगा तो क्या प्रतिपादित हो जाएगा, जब आइडियलिज्म की आप खंडन कर दोगे इसका मतलब है कि आप वस्तुवाद को प्रतिपादित कर दोगे। चूंकि इससे पहले भी वस्तुवाद में बहुत सारा काम हुआ था, तो मूर के जो वस्तुवाद को, जिस वस्तुवाद को मूर ने प्रतिपादित किया है, फिक्स किया, उस मूर को हम लोग न्यू रियलिज्म कहते हैं। न्यू रियलिज्म का मतलब हुआ नव वस्तुवाद, नव वस्तुवाद का मतलब हुआ नए सिरे से वस्तुवाद की स्थापना की है। हमने क्या कैसे पहले आदर्शवाद आइडियलिज्म में क्या हो गया कि इस दुनिया की वस्तु का एग्जिस्टेंस ही माना ही नहीं जा रहा था, खास करके बर्कले के टाइम में तो माना ही नहीं गया।
अब मूर जब आता है तो मूर कहता है कि नहीं, हम इस दुनियावी चीजों को बात करें, इस दुनिया की दुनिया में रहे, इस दुनिया की जो वस्तुएं हैं, मटेरियलिस्टिक चीज हैं, उन सारी चीजों को उसी रिस्पेक्ट में समझने या सोचने की कोशिश करें ताकि दर्शन अलौकिकता और इस दुनियावी चीजों से मिला रहे, एक बौद्धिक विलास बनकर मात नहीं रह जाए। ठीक, तो चलिए हम इसकी अब दूसरे पार्ट्स की बात कर लेते हैं। क्या कहा था मूर ने, जो रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म है, प्रत्ययवाद का खंडन, रेफ्यूटेशन कैसे कर रहा है ये, तो ये एक लिमिटेशंस भी है इसका। लिमिटेशंस का मतलब है यही इसकी संकीर्णता है कि मूर ने प्रत्ययवाद का मतलब ही केवल प्रत्यय को ही समझ लिया, तो केवल प्रत्यय का मतलब केवल बर्कले के प्रत्ययवाद को समझ लिया, तो इसमें अब किसको, मूलतया बर्कले के प्रत्ययवाद का खंडन। सबका नहीं, चूंकि इन्होंने पूरे दर्शन में केवल और केवल, मतलब ये इनकी लिमिटेशंस कहो या टाइम के जो भी इश्यूज रहे हो, इन्होंने केवल और केवल बर्कले को ही मान के, बर्कले को ही खंडित करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी, और जब अपने तरीके से इन्हें लगा कि बर्कले का खंडन हो गया तो इन्होंने मान लिया कि प्रत्ययवाद का खंडन हो गया। बाद में यही इनकी लिमिटेशंस में भी हम लोग लिखेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, बर्कले का जो मेन लाइन था, बर्कले का मुख्य लाइन क्या था, मुख्य उद्घोष क्या था बर्कले का, एसे एस्ट प्रिंसिपी, मतलब यह है कि सत्ता दृश्यता है, यह मूल उद्घोष था बर्कले का। सत्ता दृश्यता का क्या मतलब है कि जो सत्ता है जिसकी, वो सत्ता दृश्यता है, जो दिखता नहीं है उसकी कोई सत्ता नहीं होगी। दृश्यता का मतलब यह हुआ कि हमारी अनुभव, हमारी एक्सपीरियंस, और यदि हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो वो जो असीम आत्मा है ईश्वर।